रश्मि अग्रवाल और इस वक्त मैं कोलकाता के पतौली में। जी हाँ, इस वक्त मैं आज यहाँ पे पानी में तैरते हुए बाजार में शॉपिंग करने आई हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना, पानी में तैरता हुआ बाजार, क्योंकि अब जमाना शॉपिंग मॉल का नहीं है बल्कि पानी में तैरते हुए शॉपिंग मॉल का है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि शॉपिंग मॉल में ये करीबन 24,000 वर्ग मीटर में शॉपिंग मॉल फैला हुआ है। हमने जब यहाँ पे आके इसकी पड़ताल की तो हमें शॉपिंग मॉल के बारे में बहुत खास जानकारियाँ मिली है, लेकिन उससे पहले भी मैं बता दूँ कि ये मॉल खास क्यों है। ये पानी में तैरता हुआ मॉल बैंकॉक की तर्ज पे बना हुआ है। जी हाँ, ये भारत में अपने आप में पहला खास बाजार है जो कि भारत में फर्स्ट टाइम कोलकाता में स्थित पतौली में बना हुआ है। तो अब आपको पानी में तैरते हुए बाजार में शॉपिंग करने के लिए विदेशों में जाने की जरूरत नहीं। पिक तो बहुत की होगी आप लोगों ने, कभी बाजारों में घूमते हुए तो कभी शॉपिंग मॉल में, लेकिन क्या कभी बोटिंग का मजा लेते हुए आप लोगों ने शॉपिंग की है? नहीं तो हो जाइए तैयार और रुक कीजिए कोलकाता की तरफ। अभी इस वक्त हमें कोलकाता के तैरते हुए बाजार में, जिसे फ्लोटिंग मार्केट कहते हैं, आप जैसा कि देख सकते हैं करीबन यहाँ पे, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि आपको पूरा व्यू दिखाएं। ये जितने भी नाव आप देख रहे हैं ये फ्लोटिंग मार्केट माने कि एक लेक के अंदर बनी हुई है, और ये सारी फेरी वाले जो हैं करीबन 114 नावें हैं यहाँ पे, और 114 नावों में करीबन 280 दुकानें हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन दुकानों में आपको लगभग सभी प्रकार की सब्जियाँ, फल, फ्रूट और ग्रोसरी के लगभग सारे सामान आपको मिल जाएंगे। मतलब कि एक ही जगह पे आप हर तरीके की चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। और ये नहीं कि अगर आप चलते चलते थक जाते हैं तो यहाँ खाने पीने की भी व्यवस्था है। बगल में लस्सी की दुकान है, रेस्टोरेंट है, ये सुविधा भी बाकायदा इस तैरते हुए मॉल में दी गई है। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ ग्राहकों से भी बात करेंगे। ने कहा कि शॉपिंग मॉल में बोटिंग के दौरान शॉपिंग करते करते आप यहाँ पे खाने का मजा भी ले सकते हैं। जैसे कि देखिएगा, ये कोलकाता के सबसे प्रसिद्ध डिश है जिसे कोलकाता में पुचका के नाम से जाना जाता है, और कुछ जगहों पे इसे गोलगप्पा, गुपचुप, कई नामों से जाना जाता है। और यहाँ पे एक ग्रोसरी शॉप है, हम यहाँ से शॉपकीपर से बात करेंगे और जानेंगे कि ये इस मार्केट में किस तरीके से इनकी खरीदारी हो रही है, कैसा कुछ चल रहा है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दादा, कि ये जो तैरता हुआ मार्केट है, फ्लोटिंग मार्केट, यहाँ पे आप कब से दुकानदारी कर रहे हैं? तीन महीना हुआ है। तो किस तरीके की आपके बाजार चल रहा है? यहाँ पे लोग आते हैं, भीड़ होती है? इधर छुट्टी का दिन ज्यादा भीड़ होता है, दूसरा दिन थोड़ा कम से कम भीड़ होता है। अच्छा, किस समय ज्यादा भीड़ होता है, मॉर्निंग में ना शाम को? शाम को ज्यादा भीड़ होता है। अच्छा, आप ये जो दुकान खोल के बैठे हैं, तो ये तो कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पूरा मार्केट बनाया है, तो इसका पर्टिकुलर जगह का कोई आपसे रेट भी चार्ज कर रहे हैं पैसा? ना, कुछ पैसा नहीं दिया है। हम लोग उधर रोड में पहले बैठा था, वो हम लोग को इधर ये दे दिया, वहाँ रास्ता रोड हो गया, इसलिए हमने इधर कोई पैसा नहीं लिया है, ऐसे ही दिया है। अच्छा, महीने का कुछ आप पैसा पेमेंट नहीं कर रहे? कोई पैसा पेमेंट नहीं है। अच्छा, तो आपने देखा कि जैसे मैंने अभी एक ग्रोसरी शॉपकीपर से बात की, उनका कहना है कि KMD ने उनके लिए ये स्थान बनाया। क्यों बनाया? इस मार्केट को बनाने के पीछे एक खास वजह है। वो खास वजह यह है कि EMI बाईपास के पास की जो रोड है वो चौड़ी हो गई, तो वहाँ पे जो फेरी वाले बैठते थे उन फेरी वालों को यहाँ पे मार्केट बना के ट्रांसफर कर दिया गया, ताकि वो बेरोजगार ना हो और उनकी रोजगारी चलती रहे। और इसके लिए KMD जो है उनसे कोई पैसा वसूली भी नहीं कर रही है, वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। फ्लोटिंग मार्केट में आप बोटिंग का मजा लेते हुए तो शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा एक वॉकवे रास्ता भी है। ये वॉकवे रास्ता ठीक ये है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि वो नीचे की तरफ दिखाए। ये वॉकवे रास्ता है, इस रास्ते के द्वारा भी आप घूमते हुए भी शॉपिंग का मजा ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, तो वॉकवे रास्ता है, ये पूरा टोटली वुड का बना हुआ है, और इसके चारों तरफ ये बाउंड्री है व्हाइट एंड ब्लू कलर की। ये सुरक्षा के लिए है, ताकि शॉपिंग करते वक्त कोई भी ग्राहक जो है कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसके लिए ये बाउंड्री दे दी गई है। और इस बाउंड्री के उस तरफ जहाँ पे पानी है, लेक है, सभी दुकानें नाव पे लाइन से बनाई दी गई है। कुछ दुकानें हैं जैसे चाय की है, कॉफी की है, आइसक्रीम की है और सब्जी विक्रेता की है। इसमें से एक शॉप है ये जो है चाय की है। यहाँ पे अगर आप घूमते घूमते थक गए हैं तो आप यहाँ पे चाय का लुत्फ उठा सकते हैं। मोदी बोलती है कि आपने एखने आते हैं এটা বাজারটা কি রকম আছে মানে আপনাকে ভালো লাগছে এখানে? দিদি ভালো লাগছে, কিন্তু বলুন তো ভালো লাগলে তো হবে না, আমাদের পেটটা তো দেখতে হবে না। মানে আপনি কি বলছেন, এখানে কি আপনার রোজগারটা ভালো হচ্ছে না? না, একদম একদম কোনো বেচা কেনা, যে সব বিকেলবেলা এখন লোকজন আসছে বেড়াতে আসছে, ওই দু চার পয়সা ওখানেই যা দোকানদারি হচ্ছে। সকালে আমরা একদম বসে রাখি দিদি, আমাদের কোনো বেচা কেনা হয় না। মানে আপনার যেটা বিক্রিগুলো আছে ওটা সন্ধ্যাবেলা বেশি? সন্ধ্যাবেলা বেশি বলতে গেলে কি, ওই আর কি, ওখানে বাজারে রাস্তার উপরে ছিলাম আমরা, আমাদের ওখানে যা দোকানদারি হতো তার সিকি পরিমাণে দোকানদারি হয় না এখানে। আচ্ছা,
जैसा कि आपने देखा, मैंने अभी इनसे बात की तो इनका कहना है कि जिस तरीके से EMI बाईपास के पास ये जब फ्री लगा के बैठी थी, वहाँ पे जो उनके दुकानदारी होती थी उसके कंपैरिजन में यहाँ पे इनकी दुकानदारी कुछ कम हो गई, क्योंकि इनके ग्राहक कुछ छूट गए हैं। इस वजह से कुछ जो शॉपकीपर्स हैं फ्री वाले हैं वो निराश भी दिखे, क्योंकि उनकी जो दुकानदारी थोड़ी कहीं ना कहीं उनकी दुकानदारी का भी असर पड़ा है। यहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं वो शाम के समय स्पेशली घूमने आते हैं। एक और बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि इस तैरते हुए बाजार का जो ऐसे तो समय है मॉर्निंग 6 AM से लेकर रात के 9 बजे तक आप शॉपिंग का लुत्फ़ उठा सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि दोपहर के 1:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक ये मार्केट बंद रहता है। और एक दूसरी बात कि इस शॉपिंग मॉल में चारों तरफ ग्रीनरीज की बाउंड्रीज है। अगर कैमरामैन को कहूँगी तो वो आपको दिखाएंगे, चारों तरफ 24,000 वर्ग मीटर में ये फैला हुआ है और ग्रीनरीज की बॉर्डर्स बनी हुई हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से इसको सजाया गया है। कहीं कहीं पे कुछ एनिमेटेड चीज़ें बनाई गई है, जैसे कि वो बैल देखिएगा जिसके ऊपर मटका रखा हुआ है, मिट्टी के बने हुए हैं। और थोड़ा आगे देखेंगे तो पुचका वाले का एनिमेटेड पिग बनी हुई है, बोटे हैं, इस तरीके से सुंदर ये लुभावना भी बनाया गया है। ये तो यानी कि ये पर्यटन की दृष्टि से भी आकर्षण देख रहा है। आप यहाँ पे घूमने पर्पस से आए कि शॉपिंग करने? घूमने पर्पस से आए, मैं फर्स्ट टाइम आया यहाँ पर। ओके, फर्स्ट टाइम आया, तो फर्स्ट टाइम में आपको ये मार्केट घूमने में कैसा लग रहा है? मतलब अच्छा लग रहा है? कुछ डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है। कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, मतलब कि आपको यहाँ पे घूमने मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है मैम। तो आप कहना चाहेंगे कॉन्सेप्ट जो भी भारत में आई है पहला है? नहीं, अच्छा है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, डिफरेंट बनाया है। अब टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पर, अब देखिए ये भी फ्लरिश हो जाएगा। और क्या दादा, एखे आपने कत मास किए? जैसे कि मैंने इनसे बंगाली में पूछा कि वो कितने टाइम से यहाँ पे, इन्होंने कहा 3 महीने से यहाँ पे हैं। और बिक्री को लेकर इन्होंने कहा कि बिक्री इनकी हो रही है, क्योंकि अभी मार्केट नया है, जस्ट 3 महीने हुए हैं, लेकिन बिक्री हो रही है, थोड़ी हो रही है, उतनी नहीं। तो इससे पता चला कि घूमने के पर्पज से ये जगह ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लोग घूमने के पर्पज से इसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। बाकी और जैसे जैसे शाम भरेंगी, लोग आएंगे तो और हमें फीडबैक मिलेगा। तब तक के लिए हम और चीज़ें आगे बढ़ते हैं और चीज़ें आपको दिखाते हैं। जब हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें देखने मिला कि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भी इस मार्केट में बहुत कुछ इंतजाम ऑलरेडी किए हुए हैं कि आपातकालीन स्थितियों से कैसे लड़ा जाए। जैसे ठीक देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइफ जैकेट वगैरह की व्यवस्था की गई है, इस तरीके के टायर्स भी ऑलरेडी अलॉट किए हुए हैं कि अगर कोई भी आपातकालीन स्थिति होती है तो उस स्थिति से तुरंत की तुरंत निजात पाया जा सके। हम और आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एक कस्टमर भी है जो यहाँ पे घूमने या मार्केटिंग के पर्पज़ से आए हैं। उनसे जानते हैं कि इस मार्केट के बारे में क्या कुछ उनका कहना है, आप जानते हैं। नमस्कार सर। सर बताइएगा, ये मार्केट में जो है आप घूमने के पर्पज़ से आए हैं कि मार्केटिंग करने में इंटरेस्टेड है? मैं वैसे तो घूमने के पर्पज़ से आया था, पर अच्छी खासी मार्केटिंग भी हो सकता है, कर सकते हैं यहाँ पर। हम बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लायक भी है, मैंने जिस पोर्शन अभी हम लोग खड़े हैं वो पोर्शन हमारे लायक नहीं है, बट जो साइड से हम लोग आ रहे हैं उस साइड में बहुत सी चीज़ ऐसी है जो हम परचेज कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें हैं, दाम रिजनेबल है, घूमने के जैसे भी है और परचेजिंग भी कर सकते हैं। चीज़ों में जैसे कि अगर मैं बताऊं कि यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें सब्जी फल वगैरह लगभग सभी प्रकार की चीज़ें मिल रही हैं, मैं देख रही हूँ यहाँ पे आपके शूज़ वगैरह की भी दुकानें हैं, तो आप किस चीज़ें अच्छी चीज़ों की तरफ मतलब किस चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाह रहे हैं? खाने पीने के हिसाब से घूमने आता है बंदा, संडे का दिन है तो थोड़ा खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा मेरे को पसंद आई, मैंने आगे में छोटी मोटी चीज़ें जो परचेज कर सकता था की मैंने। और अभी फिलहाल पूरा मार्केट ओपन भी नहीं हुआ, देख रहा पूरा ओपन हुआ, देखता हूँ अभी क्या मिल सकता है, जो भी लगा मुझे कि मैं यहाँ से परचेज कर सकता हूँ, रीजनेबल रेट हुई तो मैं जरूर परचेज करके जाऊँगा। बाकी इस मार्केट का कॉन्सेप्ट कैसा है? बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, यूनिक है, कुछ अलग सा है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सारे मार्केट घुमाऊँ कलकत्ते के और घूमता रहता हूँ, मेरा एक शौक है ये, और इसके बारे में काफ़ी सुना था इसलिए मैं आया हूँ। मेरे साथ मेरी वाइफ और मेरे भाई लोग भी आए, काफ़ी पीछे वो तो बड़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, सुरक्षा के नज़र से भी अच्छा है, घूमने के नज़र से भी अच्छा है और कुछ अलग है जो कि अच्छा। सर एक चीज़ और बोलना है, वैसे तो ये मार्केट पूरा हमने दिखाया है लेकिन हम एक चीज़ और पूछ रहे हैं, क्योंकि ये एक सोशल वर्कर के हिसाब से ही पूछ सकती हूँ, आप ये बताइएगा जैसे कि सुदर्शन न्यूज़ क्या फॉलो करते हैं? हाँ। ओके, तो हमारे जो प्रधान संपादक है सुरेश सोहंती जी, उन्होंने अभी एक मुहिम चलाई है, हम दो हमारे दो तो सबके दो, वो 70 दिनों की यात्रा पे हैं। अच्छा। मतलब वो एक लॉ लाना चाह रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि एक ऐसा लॉ आए कि हम दो हमारे दो तो सबके दो, पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ, तो इसमें क्या आप उनका समर्थन करना चाहेंगे? मैं शुरू से ही उनका काफ़ी बड़ा फैन रहा हूँ चौहान जी का, और ये मैं मानता हूँ कि जो उन्होंने मुहिम छेड़ी है सही है, हम दो हमारे दो सबके लिए होना चाहिए। मैं खुद बिलीव करता हूँ कि दो से बेसी आप इस ज़माने में आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो दो, हम दो हमारे दो सबके लिए सही मुहिम है।
जो हमारे प्रधान संपादक हैं श्री सुरेश चौहान की जी, उन्होंने जो मुहिम छेड़ी है हम दो हमारे दो तो सबके दो, इनका समर्थन करने वाले भी यहाँ पे काफ़ी लोग हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ उन लोगों का भी कहना है। मार्केट घूमते घूमते देखिए जैसे जैसे शाम हो रही है लोगों का आना लग रहा है। ठीक मेरे पीछे देखिए लोगों की काफ़ी मात्रा में भीड़ जमा हो रही है क्योंकि यहाँ पे लोग शॉपिंग तो कर रहे हैं लेकिन घूमने के पर्पस से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। हर बोर्ड पे एक नंबर अलॉट किया गया है, मैं कैमरामैन से कहूँगी वो दिखाए। जैसे कि ये ग्रीन और ब्लू कलर की बोट है, इस बोट पे 70B नंबर अलॉट किया गया है। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे टोटल 114 बोट्स है जिसमें 280 के लगभग दुकानें हैं और हर बोट्स का एक नंबर भी अलॉट किया गया है और वो बोट उसी को अलॉट की गई है और वही उसी बोट पे बैठ के दुकानदारी कर सकता है। यहाँ पे मैं बात करती हूँ शॉपकीपर से, जानती हूँ कि किस तरह से उनकी दुकानदारी हो रही है और कैसे नहीं है, क्या फीडबैक हम जानते हैं। नमस्कार बोधी, बोधी अपने बोलते पाए ये बोटे आपने कत समय थी आते অনেক মানে জানুয়ারির থেকে মানে যেটা শুরু হয়েছে 24 তারিখ থেকে উদ্বোধন হয়েছে। আচ্ছা, সেই থেকে একটা গাড়ি আছে এখন। কিভাবে এখানে দোকানদার মানে লোকগুলো আসছে শপিং করছে মানে আনলে কি ঘুরতে পারপাস আসছে? কিছু কিছু হচ্ছে কিছু হচ্ছে না। আগে যেরকম একটা মানে রাস্তায় যেরকম একটা বেচা কেনাটা ভালো ছিল সেরকম এখন হচ্ছে না। সবাই একটা মনে ভাবছে বেশি দাম বেশি দাম মাসে কিছু পেমেন্ট না কোনো টাকা পয়সা দিচ্ছে। देखिए मैंने अपने यहाँ की जो कोलकाता की स्थानीय लैंग्वेज है पश्चिम बंगाल की बंगाली, उसमें उस लैंग्वेज में मैंने इनसे बात की, इनसे मैंने पूछा कि कितने टाइम से यहाँ पे ये दुकानदारी कर रही है। इन्होंने कहा कि ये जनवरी मतलब छोटा मोटी 3 महीना यहाँ पे इनको हो गया दुकानदारी करते हुए। और मैंने इनसे ये भी जानना चाहा कि किस तरीके की दुकानदारी इनकी है, तो इन्होंने कहा कि जैसे ये पहले EMI बाईपास के पास बैठती थी साइड में उस तरह की दुकानदारी वहाँ पे हो रही थी, वो यहाँ पे इनको देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि ग्राहक इनके छूट गए हैं। तो मोटा मोटी काम चल रहा है लेकिन इतना सेटिस्फेक्शन दुकानदारी में इनको नहीं मिल रहा है क्योंकि घूमने के पर्पज से ज़्यादा ये आ रहे हैं। तो ऑल टुगेदर ये बात ऐसे हो रही है कि ये जो तैरता हुआ बाजार बनाया गया है ये पर्यटन की दृष्टि से ज़्यादा आकर्षण लग रहा है। आइए देखते हैं यहाँ पे कुछ गार्ड भी अलॉट किए गए हैं। ये जैसे कि मैंने आपको बताया 24,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और टोटल इसमें 9 गेट है और सुविधा की दृष्टि से देखें तो यहाँ पे अंदर आने का एक रास्ता अलग है और बाहर होने का रास्ता अलग है क्योंकि अगर भीड़ हो जाए उससे कोई दुर्घटना ना हो इसलिए आने जाने के रास्ते को अलग किया गया है और हर गेट पर एक गार्ड अलॉट किया गया है। वहाँ पे कुछ लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई है, जैसे ही अंधेरा होगा ये लाइटिंग भी जलेंगी, लाइटिंग की दृष्टि से भी ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है काफ़ी आकर्षण लगेगा। और ये पानी पे जैसे कि मैं फिर से आपको बता दूं कि बोट्स पे सब पे नंबर अलॉट किए गए हैं। एक बोट पे और एक बात एक बोट पे दो दुकानें अलॉट की गई है। जैसे कि पहले मैं बताया 70B लिखा हुआ था और इस पर अब 70A लिखा हुआ है। दादा आपने एक फ्लोटिंग मार्केट आ गई, टोटल कतगुलो एखाने गेट आ गया? सात खाना गेट आ गया। आप ये यहाँ पे कितना समय से? नहीं आपने ये खाने कतो बोट नहीं जो तो जब थे मैंने तीन महीने লোকাল যারা নিত তারাই আলু কাস্টমার আরো কমে গেছে। আগের চাইতে যে ওখানে মার্কেট ছিল তার চাইতে এখন কাস্টমার আমাদের অনেক কমে গেছে। এই যে বৃষ্টি ঝড়ের সময় কাস্টমার আসতে পারছে না, ওরা তো কি করে চাকরি করে, ওরা তো চাকরি করে, ওরাও কে নেই, ওরা এখানে কে নেই, একটা পরিবারে কতটা প্রয়োজন। কিন্তু KMD তো একটা ভালো কাজ আপনার জন্য করেছে, EMI বাইপাস রোডটা এখানে রাস্তাটা ছিল রাস্তাটা বন্ধ হয়ে গেছে। থাকা জায়গাটা দিয়েছে, লাইটও করে দিয়েছে, এবার এটা মিটার ফিটার করে স্থানীয় ল্যাঙ্গুয়েজ বেঙ্গলি মেয়েছে বাদ দিয়ে
और मैंने इनसे क्या पूछा और इन्होंने क्या कहा ये सब मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि जैसे मैंने इनसे पूछा कि ये लोग यहाँ पे कब से, तो सबका कहना है ये 3 महीने से है। ये MDA ने इनके लिए अच्छा काम तो किया, इनको एक स्थानीय जगह तो दे दी है, लेकिन यहाँ पे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो दिक्कत ऐसी है कि मान लीजिए अगर कोई सब्जी बिकता है तो इतनी कड़ी धूप में उसकी सब्जियाँ सूख जा रही हैं, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। धूप वगैरह में बुझा रहे हैं, हॉकी कर रहे हैं कस्टमर, तो उनको दिक्कत हो रही, तो धूप में कोई आना नहीं जाता है। प्लस बारिश वगैरह के समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई शेड नहीं है जिससे बच के जो कस्टमर है वो भी मार्केटिंग कर सके और जो शॉपकीपर्स हैं वो भी कम्फर्टेबली अपना रोजगार चला सके। तो इस तरीके की काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है और इन सबकी एक ही मांग है सरकार से कि ये जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं जो इनको झेलनी पड़ रही है रोजमर्रा की ज़िंदगी में, वो उनसे वो जल्द से जल्द निजात पा सके। बहुत सारे प्रसिद्ध स्थल है जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, ये भी उनमें से पर्यटनों के लिए एक आकर्षण केंद्र बन गया है। कैमरामैन संजय के साथ रश्मि अग्रवाल, सहयोगी धनंजय पांडे, सुदर्शन न्यूज़, कोलकाता।